बसमिलीम अलग हल एवरीवन उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट कन्सेप्ट रिलेटेड टू लैंग्वेज वाइटीज़ एंड डायलैक्ट्स सो इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन अ लैंग्वेज एंड अ डायलैक्ट स्टैंडर्ड डायलैक्ट एंड नॉन स्टैंडर्ड डायलैक्ट डिफरेंस बिटवीन एक्सेंट एंड डायलैक्ट रीजनल डायलैक्ट सोशल डायलैक्ट फैक्टर्स एफक्टिंग सोशल डायलैक्ट सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड लैंग्वेज देखो लैंग्वेज जो है एक सिस्टम है कम्युनिकेशन का जो कि मुख्तल कंट्रीज़ के लोग या कम्युनिटी के लोग इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज इज़ द मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन बाय स्पीकिंग राइटिंग और मेकिंग साइंस इन अ वे दैट कैन बी अंडरस्टूड अब हिंदी एंड उर्दू ये दोनों जो है एक सेपरेट लैंग्वेजेस हैं बिकॉज इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ टू डिफरेंट नेशंस इसी तरह जब आप अपने ही मुल्क में किसी और इलाके जाते हो तो शायद लैंग्वेज में कोई फ़र्क हो इसलिए इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए एक मुल्क का ऑफिशियल लैंग्वेज होता है जो गवर्नमेंटल परपज़ेज़ और स्कूल्स वग़ैरह में यूज़ किया जाता है लैंग्वेज जो है नेशनल होते हैं लेकिन डायलेक्ट जो है रीजनल होते हैं दुनिया में मुख्तलिफ़बाने होती हैं दो लैंग्वेजेस के स्पीकर्स को ट्रबल होगी एक दूसरे को समझने में and the same language evolves and changes every moment means language change. every moment for example new words, new sentence structure etc or passage of time they become the part of the language or मतलब, passage of time becomes a part of our language same words, same sentence structure there are 7102 living human languages means 7102 लैंग्वेजेस बोले जाते हैं दुनिया में जिसमें सबसे ज़्यादा जो है बोली जाती है इंग्लिश फ्रेंच स्पेनिश मंडेरियन अरबिक हिंदी जर्मन ये languages जो है सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं और फिर इन्हीं लैंगवेज़ के जो हैं डिफरेंट डायलैक्ट्स हैं सो द सेम द प्रिंसिपल मैथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन कंसिस ऑफ वर्ड्स यूज इन स्ट्रक्चर एंड कन्वेंशनल वे एंड कन्वेड बाई स्पीच राइटिंग और जस्चर्स दैम एन अदर डिफिनीन अगर देखें लैंग्वेज अट्टचर्ड मैथड या सिस्टम और कम्युनिकेशन ये एक स्ट्रक्चर्ड मैथ सिस्टम होता है कम्युनिकेशन का जो कौन यूज़ करते हैं इंसान लैंग्वेज कैन बी यूज कैन भी बेस्ड ऑन स्पीच एंड जस्चर्स एंड स्पोकन लैंग्वेज साइंस और रॉइटिंग अब आप भी सोच रहे हैं कि लैंग्वेज के मुख्तफ डिफिनीशन्स हैं सेम लैंग्वेज की कोई स्टैंडर्ड डिफिनीशन नहीं है जो लैंग्वेज को फुली डिफाइन कर सके इसका जो बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं लाइफ से लाइफ को हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ़ाइन करता है लाइफ की प्रॉपर्टीज़ के बेस पर एक्सप्लेन करता है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट रिस्पायरेशन मोशन रिप्रोडक्शन ग्रोथ पावर ई अब देखा जाए यही चक्कर लैंग्वेज के साथ है लैंग्वेज को भी उसकी प्रॉपर्टीज़ के टर्म्स पे अंडरस्टूड किया जाता है क्योंकि लैंग्वेज की भी हमारे पास अब तक कोई प्रॉपर डिफिनीशन नहीं है जो लैंग्वेज के तमाम प्रॉपर्टीज़ को एक ही डिफिनीशन के अंदर डिफाइन कर सके सो so, मुख्तलिफ लैंग्वेज ने लैंग्वेज को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ़ाइन किया है तो ये एक चीज़ याद रखना कि लैंग्वेज की कोई प्रॉपर डिफिनीशन नहीं है अब आते हैं डायलेक्ट की तरफ डायलेक्ट क्या है अ पर्टिकुलर फॉर्म पर लैंग्वेज दैट इज़ पैकेलर टू स्पेसिफिक रीजन और सोशल ग्रुप मीन्स एक डायलैक्ट एक सोशल एक स्पेशल सोशल ग्रुप में यूज़ होता है या एक स्पेसिफिक uh, रीजन में यूज़ होता है अब वो किस तरह मतलब जब भी वो बात करेंगे उनकी प्रोनासीशन जो है डिफरेंट होगी उनके ग्रामर का जो यूजेज है वो डिफरेंट होगा उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा उनकी इवन जो वोकेबलरी है वो भी डिफरेंट होगी सो दैट्स ऑल अबाउट डायलैक्ट और डायलेक्ट जो है दैट्स अ वाइटी ऑफ लैंग्वेज विच हैज़ अ डिफरेंट प्रोनासीशन जैसे मैंने अभी बताया था कि ग्रामर उसकी वोकेबलरी डिफरेंट होगी दैन द स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफ द कल्चर द सेम लाइक इट इज़ अ सोशल रीजनल वराइटी ऑफ अ लैंग्वेज डिस्टिंग बाई ग्रामर प्रोनाउंसिएशन और वोकेबलरी बस इतना याद रखना कि इसमें जो है हम मुख्तलफ जो है प्रोनासीशन हमारी डिफरेंट हो जाती है ग्रामर डिफरेंट होता है और जो यूकै ओकेबलरी का जो यूजेज है वो भी डिफरेंट होता है अब इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि कैंटोनीज और मैंडेरियन जो कि दो डायलैक्ट से चाइना में बोले जाते हैं अब अगर देखा जाए डिफरेंस बिटवीन डायलेक्ट एंड लैंग्वेज, द मेन डिफरेंस बिटवीन डायलेक्ट एंड लैंग्वेज इज़ देयर म्यूचुअल इंटेजिबलिटी अब म्यूचुअल इंटेलिजिबलिटी का क्या मतलब है कि जो स्पीकर होते हैं वो दो वराइटीज़ ऑफ अ लैंग्वेज के अंडरस्टूड करते हैं अब किस तरह वो अंडरस्टूड करते हैं दो वाइटीज़ ऑफ लैंग्वेज़ को फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ स्पीकर लैंग्वेज कैन अंडरस्टैंड ईच अदर मतलब अगर एक लैंग्वेज के दो वाइटीज़ के जो स्पीकर है वो एक दूसरे को समझ लें दैन दो वराइटीज़ आर कंसिडर टू बी डायरेक्ट तो उसको हम कंसिडर करेंगे वो डायरेक्ट्स हैं लेकिन अगर वो एक दूसरे को ना समझ सके तो फिर वो क्या कंसिडर किया जाएगा फिर वो जो है एक सेपरेट लैंगवेज़ के तौर पर कंसिडर किया जाएगा पीपल अराउंड द वर्ल्ड स्पीक वेरियस लैंग्वेज़स मोस्ट ऑफ दीज लैंगवेज़ आल्सो है वेरियस डायलैक्ट्स मैंने बताया भी था कि मतलब दुनिया में जो है मुख्तु ज़बानें बोली जाती हैं अब उन्हीं जबानों की जो है डिफरेंट डायलैक्ट्स भी हैं सो जिस सेम उनकी जो है मतलब ग्रामर प्र ग्रामर होगी वो डिफरेंट होगी उनकी ओकेबरी का जो यूजेज होगा डिफरेंट होगा उनके प्रनसिएशन का जो यूजेज होगा वो डिफरेंट होगा अब एग्जांपल इसका यह है कि फ्रेंच चाइनीज़ लैटिन, हिंदी उर्दू आर एग्जांपल्स ऑफ लैंग्वेज लाइक कैनेडियन फ्रेंच क्वेबिच फ्रेंच बिलीजियन फ्रेंच एंड लुसिनिया फ्रेंच आर सम्पल्स ऑफ डायलेक्ट ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज तो ये फ्रेंच लैंग्वेज की मुख्तलिफ़ डायलैक्ट्स है जिसमें जो है कैनिडियन फ्रेंच आती है क्विबिच फ्रेंच बिलीजियन फ्रेंच और लुसियाना फ्रेंच तो ये मुख्तलिफ़ डायलेक्ट्स है किसी भी लैंग्वेज के फ्रेंच लैंग्वेज के अब दो बच्चे एक ही गांव में ग्रो अप होते हैं लेकिन अब क्या होता है एक की जो बर्थ है वो वेल्थी फैमिली में होती है और साथ में एक एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल अटेंड करता है और दूसरे की जो बर्थ है वो पोअर फैमिली में होती है और साथ एक में एक स्टेट के स्कूल या गवर्नमेंट के स्कूल में एडमिशन लेता है तो ये दोनों जब स्पीकिंग करेंगे इंग्लिश में तो वैरायटी डिफरेंट होगी तो ये कम्बिनेशन है सोशल और रीजनल वेरिएशन की जो कि डायलेक्ट है और इसका एक और डिफरेंस ये है कि जो लैंग्वेज है दैट इज़ बिगर दैन डायलेक्ट और मोर पीपल स्पीक अ लैंग्वेज Not a dialect. A language is the standard form. A language is the correct form. And then, a dialect is a language variety spoken by a speech community that is characterized by systematic features. Phonological, we use pronunciation lexical, lexical words, grammatical word that distinguish it from the other varieties of that same language. A language could have more than one dialect. एक ही लैंग्वेज के मुख्तलिफ़ डायलेक्ट हो सकते हैं डायलेक्ट्स आर इन्फीरियर टू लैंग्वेज इवन एवरी वन स्पीक्स अ डायलैक्ट लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो डायलेक्ट है वो इन्फीरियर होता है लैंग्वेज से लैंग्वेज जो है वो मीन ज़्यादा जो है उस सुपीरियर होता है इन्फीरियर नहीं होता डायलैक्ट इन्फीरियर होता है लेकिन लैंग्वेज जो है सुपीरियर होता है अब आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे means मोस्ट पीपल और speakers यूज़ अ variety ऑफ डिफरेंट dialects और स्टाइल्स इन डिफरेंट situations जैसे राइटिंग में वो मुख्तलिफ़ डायलेक्ट यूज़ करेंगे कॉलिकल स्पीच जब आप फैमिली के साथ बात करोगे या फ्रेंड्स के साथ बात तो आपका डायलेक्ट डिफरेंट होगा फॉर्मल स्पीच में आपका डिफरेंट डायलैक्ट होगा सपोज आप किसी स्ट्रेंजर से बात करते हो तो आपका जो यूजेज होगा लैंग्वेज का जब का डायलैक्ट होगा वो डिफरेंट होगा अथॉरिटी फिगर्स के साथ जब आप बात करोगे तो उसमें भी आपका जो यूजेज uh, होगा वो डिफरेंट होगा लैंग्वेज का यूज़ करने का अब आते हैं स्टैंडर्ड डायलेक्ट स्टैंडर्ड डायलेक्ट क्या है अ डायलेक्ट दैट इज़ अप्रूव्ड एंड सपोर्टेड बाय इंस्टीट्यूशन एक ऐसा डायलेक्ट जो के अप्रूव किया जाता है जिसको सपोर्ट किया जाता है जिसको सपोर्ट मिलती है इंस्टीट्यूशनस के ज़रिए दैट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड डायलेक्ट नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट दैट इज़ नॉट सपोर्टेड बाई इंस्टीट्यूशनस फॉर इंस्टेंस अब फॉर इंस्टेंस इसका क्या है? मतलब एग्ज़ाम्पल अगर देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखो अगर इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज के भी मुख्तफ डायलेक्ट्स हैं जैसे अमेरिकन इंग्लिश इंडियन इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश ई टी सी ये सब डायलेक्ट्स हैं और इनकी जो मतलब विद इन दीज डायलेक्ट्स एज वेल well, अब इन में जो है आप मुख्त देखोगे इस तरह उनकी भी जो प्रोनंसिएशन होगी जो ग्रामर का यूजेज होगा जो वर्ड्स होंगे वो उनका यूज़ेज जो है डिफरेंट होगा अब बढ़ते हैं एक्सेंट की तरफ कि एक्सेंट है क्या द एक्सेंट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू रिस्ट्रिक्टंसिएशन फीचर्स एक्सेंट में एक चीज़ याद रखना ये सिर्फ प्रोनासी से मुतलिक होता है डायलेक्ट में क्या होता था डायलेक्ट में जो है ग्रामर ग्रामर का जो यूजेज होता है या प्रोनउंसिएशन का यूजेज या वोकैबुलरी का जो यूजेज होता है वो डिफरेंट होता है लेकिन एक्सेंट में आपकी प्रोनान्सीशन को देखा जाता है एन एक्सेंट इफेक्ट्स ओनली द फोनोलॉजिकल लेवल फोनोलॉजिकल में जो है यही प्रोनसीशन को कहा जाता है ऑफ़ अ लैंग्विस्टिक वराइटी वैन वी सेट समन स्पीक्स विद इन एक्सेंट एग्जाम्पल अ फॉरन एक्सेंट अ वर्किंग क्लास एक्सेंट अ रीजनल एक्सेंट तो यही किस्म के एक्सेंट्स हुए जो काम करते हैं मीन जो मजदूर तबका होता है उनका एक्सेंट डिफरेंट होगा लैंग्वेज को यूज़ करने का रीजनल एक्सेंट एक अलाखाई एक्सेंट अब फ़ोरन एक्सेंट जो फॉरन्स होते हैं जो फॉरनर्स होते हैं उनका जो है एक्सेंट डिफरेंट होगा वी रेफर टू द पर्सनज वे प्रोनासिंग द लैंग्वेज लैंगवेज वी से सेवेवर दैट अ समक्ट वी रेफर नॉट ओनली टू हिज़ और हर प्रोनासीशन बट आल्सो दिस परसन यूज ऑफ ग्रामर एंड वैबलरी तो वही बात डायलैक्ट में जैसे मैंने बताया था कि उसमें आपने तीन चीज़ों का तीन चीज़ों को याद रखना होता है ग्रामर प्रोनासीशन एंड वकीबलरी लेकिन एक्सन में द मेन थिंग दैट इज़ प्रोनाउंसिएशन अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ जैसे इंग्लिश में एक वर्ड है ईधर ई आई टी एच ई आर इधर अब मैंने इसको प्रोनाउंस किया ईधर कुछ लोग इसको प्रोनाउंस करेंगे आईधर तो ये क्या हुआ ये एक्सेंट हुआ द सेम अब यही वर्ड अब इसी एक सेंटेंस में बता के बताता हूँ आप लोगों को कि इफ़ यू से आई हैव गॉट अ न्यू डस्टबिन एंड आई से आई हैव गोटन अ न्यू गारबेज अब यहाँ पर क्या है ये एक डायलैक्ट है आपने कहा है कि इफ़ यू आई हैव गॉट अ न्यू डस्टबिन एंड आई से आई हैव गोटन अ न्यू डस्टबिन सो दिस इज़ डायलैक्ट वी आर यूजिंग डिफरेंट वर्ड एंड सेंटेंस पैटर्नस टू टॉक अबाउट दिस सेम थिंग अब मैंने भी डस्टबिन के बारे में बात की और आपने भी डस्टबिन के बारे में बात की लेकिन क्या हुआ आपने डस्टबिन वर्ड यूज़ किया मैंने गारबेज वर्ड यूज़ किया और साथ में आपने हैव गॉट लिखा मैंने लिखा हैव गॉटन तो डिफरेंट जो है हमने वहाँ पे जो आ, मतलब वर्ड्स हैं वो हमने डिफरेंट यूज़ किए और साथ में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था ग्रामर का जो स्ट्रक्चर था वो हमने डिफरेंट वे में यूज़ किया लेकिन आपको भी समझ आ जाता है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और आप जो सेंटेंस बोलेंगे वो मुझे समझ आ जाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो सो आई होप एक्सेंट का भी आप लोगों को पता चल चुका होगा कि एक्सेंट है क्या एक्सेंट और डायलेक्ट में भी डिफरेंस है एक्सेंट में आप लोगों ने सिर्फ प्रोनसीशन का ख्याल रखना होता है लेकिन डायलेक्ट में आपको तीन चीज़ों का ख्याल रखना होता है जिसमें आपकी ग्रामर आती है प्रोनन्शन आती है और ओकेबलरी की जो यूजेज है वो आती है जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि आई हैव गॉट अ न्यू डस्टबिन एंड आई हैव गॉटन अ न्यू डस्टबिन न्यू गारबेज सो देर इज़ डिफरेंस इन ओकेबलरी देर इज़ डिफरेंस इन सेंटेंस स्ट्रक्चर अब बात करते हैं रीजनल डायलेक्ट की रीजनल डायलेक्ट है क्या रीजनल डायलेक्ट को हम रीजियोलैक्ट और टोपोलैक्ट भी कहते हैं इज़ अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया मीन्स दुनिया के किसी भी कोने में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज़ किया जाता पर्टिकुलर डायलैक्ट यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इफ द फॉर्म ऑफ अ स्पीच ट्रांसमेटेड फ्राम अ पेरेंट टू अ चाइल्ड इज़ अ डिस्टिकट रीजनल The dialects इट said to be the child's vernacular. A original dialect spoken in one particular area of a country. वही बात है कि एक दुनिया के किसी भी मुल्क में original dialect किसी भी ख़ास इलाके में बोली जाती है लेकिन यू एस ए रीजनल डायलैक्ट्स इनकलूड एप्लिकन न्यू जर्स एंड सोथरन इंग्लिश अब ये इंग्लिश के मुख्तलिफ़ dialects हैं जो USA में use होते हैं इसी तरह Britain में क्या होता है उसमें जो है ये डायलैक्ट्स यूज़ होते हैं काकनी लिवरफूल इंग्लिश एंड जियोराइड न्यूखास्टर इंग्लिश फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्गलिश विच स्पोकन इन ब्रिटेन इज़ डिफरेंट फ्राम द वन विच स्पोकन इन अमेरिका तो ये डिफरेंट होता है वही बात आ जाती है कि उनका जो मतलब अमेरिकन जो होते हैं या ब्रिटिश होते हैं उनके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं उनकी जो वो होती है वो भी डिफरेंट आपको मिलेगी एंड देर आर सो मैनी हाइंड्स ऑफ इंग्लिश अराउंड द वर्ल्ड हैज़ इंग्लिश बिकम्स अ ग्लोबल लैंग्वेज फॉर इंस्टेंस सिंगापोरियन इंग्लिश इंडियन इंग्लिश मलेशियन इंग्लिश ई टी सी अब रीजनल डायलैक्ट में आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ जैसे अमेरिकन इंग्लिश में जो वो कैबुलर यूज़ होती है वो होती है मूवी कोकी हॉलीडे अब ये अमेरिकन है अब मूवी की जगह ब्रिटिश में क्या यूज़ होता है सैनेमा दैम कोकी की जगह हम क्या यूज़ करते हैं बिस्किट और उधर अमेरिकन में ये लोग हॉलीडे वर्ड यूज़ करते हैं लेकिन यू जो ब्रिटन है उसमें हम जो है यूज़ करते हैं वो कैशन सो दिस इज़ द डिफरेंस डिफरेंस इन ग्रामर अब ग्रामर में किस तरह डिफरेंस होता है आई हैव लॉस्ट माई की ये ब्रिटिश है आई लॉस्ट माई की ये यू एस है उधर उन्होंने हैव लगाया ब्रिटिश में लेकिन यू एस लैंग्वेज में जो है हैव नहीं लगाते डायरेक्ट कहते आई लॉस्ट माई की फिर उसके बाद हैव अ अबाथ ये ब्रिटिश लैंग्वेज है लैंग्वेज है या डायलेक्ट हैबाथ है लेकिन यू एस ए वाले जो कहते हैं टेक अबाथ सो दिस इज़ द यू एस ए डायलैक्ट और लैंग्वेज और इसके बाद अगर देखा जाए and one of the major examples in the chinese pidgin example the chinese pidgin english was widely spread on the west coast of america in 1849 the chinese merchants and sailors played a great role in the spread of pidgin english they didn't just carry goods and different things they also carried a new language to the new land also we can say that there were different nations like germans dutch french and spanish in that place they interacted with native people and their speech

और ओकोपेशनल ग्रुप विद इन अ सोसाइटी जो कि सोसाइटी में रहता है एक ऑकोपेशनल ग्रुप होता है आल्सो नोन एज अ सोशियोलैक्ट ग्रुप ईडियोलैक्ट एंड क्लास डायलेक्ट तो इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं जिसमें ग्रुप ईडियोलैक्ट भी से कहते हैं सोशियोलैक्ट भी कहते हैं और क्लास डायलेक्ट भी कहते हैं इट डील्स विद डीज फेनोमेना बेस्ड ऑन वन सोशल बैकग्राउंड सच एज सोशल क्लास एज ग्रुप एंड एथनिक ग्रुप एथनिक बैकग्राउंड मीन जब आप बात करते हैं तो आपकी जो वोकैबुलरी का यूजेज होगा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा जब आप उसमें बात करेंगे दूसरे को डायरेक्ट पता चले कि आप कितने एजुकेटेड हो आपका बैकग्राउंड क्या है तो ये सब चीज़ें आपके जो है किस चीज़ से पता चलते हैं सोशल डायलैक्ट्स मीन जब आप बात करते हो फॉर इंस्टेंस पीपल फ्राम अपर क्लास सोसाइटी स्टेंट टू यूज़ द हायर वराइटी अब जो अपर क्लास वाले लोग होते आम लोगों ने नोट किया होगा अपनी सोसाइटी में वो जो है एक हायर वराइटी ऑफ लैंग्वेज को यूज़ करते हैं वो ये शो कराते हैं देट वी आर एजुकेटेड इसी तरह जो लोअर क्लास वाले थे वो लोअर वैरायटी को यूज़ करते हैं उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये एक लोअर सोसाइटी का है या लोअर ग्रुप का बंदा है इन सोशियो डायलैक्ट इन सोशल डायलैक्ट देर इज स्टैंडर्ड इंग्लिश एंड सोशल स्टेटस स्टैंडर्ड इंग्लिश इज़ मोर एकोमोडेटिंग दैन रीजनल डायलैक्ट या रीजनल इट अलाउज़ फॉर सम वेरिएशन बाउंड्रीज इन सोशल स्टेटस देर आर कास्ट एंड सोशल स्टेटस सो so, ये एक एग्जाम्पल है आप लोग पढ़ लीजिएगा आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगी अब इसमें भी यही बताया जा रहा है कि जो अमेरिकन है या जो ब्रिटिश है उनके जो यूजेज है लैंग्वेज का वो डिफरेंट होता है किस चीज़ के किस हवाले से मीन्स उनका जो फेनोलॉजिकल प्रोनाशिएशन है वो डिफरेंट होता है लेक्सिकल वर्ड्स उनके डिफरेंट होते हैं ग्रामेटिकल डिफरेंशिएट होती है उसमें अब एग्ज़ाम्पल इन्होंने ये दिया इन नेमिंग अ मेटल कंटेनर इन विच सम फूड ड्रिंक और अदर थिंग पुट अमेरिकन इंग्लिश कॉल इट कैन वो इनको क्या बुलाते हैं कैन जिसमें फूड वगैरह रखा जाता है या जिसमें जो है कोई चीज़ डाल के वो पी जाती है उसको हम कैन बुलाते हैं अमेरिक ये अमेरिकन इंग्लिश में लेकिन ब्रिटिश में उसे ठिन बुलाते हैं टी आई एन टिन द एग्ज़ाम्पल मशनड इज़ एन एग्ज़ैम्पल ऑफ लेक्सिकल डिफरेंस अब ये वर्ड का जो यूजेज है जो डिफरेंश डिफरेंस है अमेरिकन और ब्रिटिश में दिया गया है उधर एन अदर डायलैक्ट एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ एनजिकल इज़ नाउ हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड डांस अब ये डांस ये ब्रिटिश है जब हम बात करते हैं डांस लेकिन जो अमेरिकन है वो इसे डांस डेंस प्रनाउंस करते हैं देर आर ऑल्सो डिफरेंस इन ग्रामर बिटवीन दो वाइटीज़ ऑफ इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन इंग्लिश डेंस आई वेल कम योर ऑफिस टो एंड इन ब्रिटेन इंग्लिश देंटेंस वेल बी आई शेल कम टू यफिस ट मीनिंग ऑफ दू सेंटेंस द सेम मीनिंग सेम है इवन दो देव डिफरेंट ऑक्सलरी वर्ब अब ऑक्जलरी वर्ब से मुराद क्या है एक ने वहाँ पर शेल का यूजेज किया और दूसरे ने वेल का यूजेज किया है तो ये ऑक्जैलरी वर्ब है द अमेरिकन इंग्लिश रेयल यूज इज शेल एक्सेप्ट फॉर लीगल डॉक्यूमेंट एंड प्रेफर्स टू यूज़ वेल इसका एक और बेस्ट एग्जांपल ये है जब आप बैठेंगे अपने दोस्तों के साथ उनमें एक एलिड क्लास का है और दूसरा जो है लोअर क्लास की तो उन दोनों वो दोनों जब बात करेंगे उनके डायलेक्ट में चेंज नज़र आएगा आपको सो आई होप आप लोगों को सोशल डायलैक्ट औरिजिनल डायलेक्ट की समझ आई होगी आप बढ़ते हैं फैक्टर्स एफेक्टिंग सोशल डायलैक्ट जिसमें सोशल क्लास आ जाती है आपकी एजुकेशन आ जाती है आपकी एजुकेशन से लोगों को पता चल जाता है कि आप किस कौन सा डायलैक्ट यूज़ कर रहे हो लोअर डायलैक्ट हायर डायलैक्ट स्टैंडर्ड डायलैक्ट नॉन स्टैंडर्ड डायलैक्ट सो दिज ऑल कम्स इन योर आल्सो इन दैटेगरी ऑफ एजुकेशन रिलीजन प्रोफेशन का पता चल जाता है कि आप किस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हो मीनस एक मज़दूर हो या किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हो या टीचर हो जो भी हो उससे पता चल जाता है एज मतलब आपकी एज क्या है जब आप बात करते हो कास्ट जेंडर सो आई होप दिस वीडियो हैज बीन हेल्पफुल फॉर यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा Uh, के पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान की बात करें अकॉर्डिंग टू फ़िलोलॉजिस्ट्स फ़िलोलॉजिस्ट्स कौन होते हैं जो लैंग्वेज की हिस्ट्री को पढ़ते हैं वो क्या कहते हैं कि तीन सौ डायलैक्ट जो है पाकिस्तान में जो है बोले जाते हैं तीन सौ डायलैक्ट्स सो इसी भी अपनी वीडियो को एंड करते हैं अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ टेक केयर ऑफ ये